रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट ईयर मैंने जो है वो लगाई थी मूंगफली, और उसको बाद में मैंने दो तीन जगह शिफ्ट की थी, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ मुझे मिल गए थे, उसके मूंगफली मुझे मिल गई थी। तो आज हम मेरे पास एक फिर लास्ट ईयर से ग्रो कर गया था मूंगफली का, तो मैंने इसको इसी पॉट में रहने दिया। तो आज हम इसको निकालेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितनी मूंगफली मिलती है, निकलती है। इसके हार्वेस्ट का मौसम आ गया है, तो ये एक इसमें ग्रो हो गई थी, तो मैंने कहा जाता है कि दो दिन पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए। इसमें और भी मूंगफली है, बस इसमें इतनी सी मूंगफली है और ये चार सीड। मूंगफली को हार्वेस्ट करने से दो तीन दिन पहले पानी रोक दिया जाता है, इस तरह मूंगफली ड्राई हो जाती है। मैंने नहीं रोका था, यानी उसको देती रही थी। तो आप अगर लगाएं और उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे पहले उसको पानी देना बंद कर दें। एक बात का और ध्यान रखें कि मैंने जो है ये इस डब्बे में लगाई थी, डब्बे की जो है गहराई थी, चौड़ाई नहीं थी, तो मूंगफली जो है वो फैलने वाला, जैसे इसकी बेल सी फैलती है ज़मीन पर, तो वो मूंगफली नीचे जहाँ जहाँ उसकी टहनियाँ जाती हैं वहीं पर मूंगफली बनती चली जाती है। तो एक वजह ये भी है कि बहुत कम मुझे मूंगफली मिली है। तो अगर आप लगाएँ तो बास्केट में या कुछ इस तरह जो ज़मीन है या उस पर लगाएँ, ताकि जिस तरह वो फैले। ये जो मूंगफली मिली है इसका साइज़ छोटा नहीं है, बड़ा है, अच्छा साइज़ है। अगर इसको जगह मिलती तो ये बहुत ज़्यादा मूंगफली लगती, लेकिन ये भी बुरा रिज़ल्ट नहीं है। ख़ुद की लगाई हुई कोई भी चीज़ हो, बेशक थोड़ी हो, लेकिन खुशी देती है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मूंगफली कैसे लगाई जाती है, तो जो कच्ची मूंगफली होती है उसका दाना निकाल कर अप्रैल के महीने में लगा दिया जाए तो वो लग जाती है, आसानी के साथ लग जाती है। मेरी पहले भी वीडियो मौजूद है, तो आप उसको देख सकते हैं। इस मूंगफली को अब दो से तीन दिन के लिए मैं धूप में रखूंगी, ताकि ये ड्राई हो जाए। अगर अभी इसको मैं तोड़ दूंगी तो ये अंदर से कच्ची होगी, गीली होगी, तो इसके लिए धूप इसके लिए ज़रूरी है। तो कुछ दिन आप धूप में रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू।